ये हैं पतियोड़ जो मम्मी ने बना रखे हैं। तो बड़ी मुश्किल से ताई जी आज हमारे यहाँ आए भाई, और कल से अब डेली दिखेगी, दूध के लिए आएगी भाई ताई जी। बाकी दीदी के ससुराल से दीदी की सासू जी ने अखरोट दिए थे भाई। तो अच्छा धरने सड़ गाँव वाला होता। तो ये जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं अरबी के पत्तों से। तो लोग मेरे को सोचते होंगे बल्कि ये क्या चिंगली बनी रहती है। एक कमेंट भी उस पे आ रखा था कि पतियोड़ खा के जो खुजली होती है उसको किंग क्वाली बोला जाता है। ये हैं अज्जी चाचा जिनकी बात मैं कर रहा था कि इनकी बेटी हुई। पहले तो बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव की बुआरियां तो चली गई बहाने वाला, तो फायदा उन्हीं का है जिन्होंने भैंस पाल रखी है भाई गाँव में। और ये है अन्नु के पिताश्री। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम मैं आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चाह गांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी आज का जो मौसम है वो देखो भाई, अब जाके बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी है, नहीं तो रात भर से बारिश लगी हुई थी। और सामने के पहाड़ों में ना पूरा कोहरा ही कोहरा छा रखा है। और बोलते हैं कि जो बारिश कम लगी रहती है ना वो बहुत कम रुकती है, और जो तेज बारिश होती है ना वो तुरंत रुक जाती है। मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी बना दिया है, और ब्रेकफास्ट में आज कल रात की सब्जी है जो कि है अंडे की सब्जी, और मैंने अपने लिए बनाना शेक भी बना दिया है भाई। तो गाइस ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, और आज मम्मी को काफी टेंशन हो रही है भाई। मम्मी ने लोगों को बोला था झंगोरे की बालियां काटने के लिए, जिसको गढ़वाली में बोलते हैं झंगोरा लॉन। तो बाहर लग रखी है भयंकर वाली बारिश, और मम्मी बोल रही है कि इतने सारे लोगों को मैंने बोल दिया अब कैसे आएंगे वो बारिश में। की बाकी दीदी के ससुराल से दीदी की सासू जी ने अखरोट दिए थे भाई, तो मैं ऑफिस लेके जाता हूँ इनको। गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर में, और शाम के बज रहे हैं 6:30। बाकी जब तक घर में पहुंचा तब तक देखो भाई आज मनोज भैया की मम्मी भी हमारे यहाँ आ रखी है, जो कि हमारी ताई जी है। ए बड़ी आज कने आई, बड़ी मुश्किल से आई आज दूधा खातिर। तो भाई सब हमारे यहाँ आजकल तभी दिख रहे हैं कि जब इनको दूध चाहिए भाई। तो हाँ ताई जी की नतीड़ी भी है भाई, तो ताई जी नतीड़ी के साथ रहती है। तो बड़ी मुश्किल से ताई जी आज हमारे यहाँ आए भाई, और कल से अब डेली दिखेगी, दूध के लिए आएगी भाई ताई जी। ताई जी ने भी अपनी जगह बना दी है भाई, और छाता देखो भाई कितना बड़ा है। बड़ी तो अच्छा धरने सड़ गाँव वाला होता। बाकी ताई जी भी यहाँ पे बैठ रखी है भाई, और दादी भी यहाँ पे बैठ रखी है, और बाकी मम्मी ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है, और ताई जी लोगों ने चाय भी पी लिया भाई। और कल मैंने बताया था कि ताई जी की स्पेशल डिमांड पे दीदी ने ताई जी के लिए पतियोड़ के लिए पत्ते पे वो लगा दिया था भाई आटा, और आज मम्मी ने उन पे छौंका मारा और पतियोड़ बना दिया भाई। तो इन्होंने जो पतियोड़ खा लिए हैं, बाकी मैं खाता हूँ भाई। गर्मा गर्म चाय के साथ खाते हैं भाई पतियोड़। तो ये हैं पतियोड़ जो मम्मी ने बना रखे हैं। बाकी ये हैं भाई कच्चे पतियोड़ जिनपे छौंका मारने के बाद वो इस टाइप से बन जाते हैं। तो पतियोड़ जो बनाए जाते हैं, काफी सारे लोगों को पता होगा, बट काफी सारे लोग मेरे ब्लॉग कुमाऊं से भी देखते हैं, और काफी सारे लोग पौड़ी से भी देखते हैं, तो शायद उनके यहाँ पतियोड़ को कुछ और बोला जाता होगा, तो हमारे यहाँ तो इसको बोला जाता है पतियोड़। तो ये जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं अरबी के पत्तों से। बाकी अरबी के पत्तों को हमारी गढ़वाली भाषा में पिंडाड़ू बोला जाता है भाई। तो पहले अरबी के पत्तों पे ना आटा लगाया जाता है, जैसे कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा दीदी लगा रही थी, तो ताई जी ने बोला था कि तूने बोल के अकेले घर में पतियोड़ बनाया। मैंने बताया था एक दिन पहले हमारे घर में पतियोड़ बना था, वो मैंने ब्लॉग में दिखाया था, जिस दिन मैं बोल रहा था कि मेरे गले में खुजली होने लगी है पतियोड़ खा के। तो एक कमेंट भी उस पे आ रखा था कि पतियोड़ खा के जो खुजली होती है उसको किंग क्वाली बोला जाता है, मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था, तो उसको किंग क्वाली बोला जाता है भाई। तो थैंक यू आप सब लोगों का, इतना डीपली आप ब्लॉग देखते हो और अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग करते हो। तो फटाफट से पहले पतियोड़ खाते हैं, और उसके बाद थोड़ी घूमने चलता हूँ भाई। बाकी इस टाइम का जो मौसम है वो देखो भाई पूरा पैक हो रखा है, और बारिश लग रखी है। बाकी शाम
सामने के पहाड़ों में देखो भाई पूरा कोहरा ही कोहरा छा रखे हैं। और मैंने बताया था सुबह की जो ये हल्की हल्की बारिश होती है ना ये बहुत कम रुकती है भाई, और सुबह से ये बारिश लग रखी है, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाकी सुबह तो हम पूरा भीग के गए भाई, हम रेन कोट पहन के नहीं गए सुबह। बाकी इस टाइम जब हम आए तो रेन कोट पहन के आए तो तब जाके बचे भाई बारिश से। बाकी कुछ दिन पहले से ना काफी ठंड होने लगी है और आज तो सुबह से लेके अब तक बारिश लग रखी है और आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड लगने लगी है भाई। बाकी मेरी दादी देखो भाई यहाँ पे बैठ रखी है, ठंड लगनी मेरी दादी बोलती है भाई कि लोग मेरे को सोचते होंगे बल्कि ये क्या छिंगली बनी रहती है। याद तो नहीं होनी ना तीड़ी, याद आल फोन पर बात कर। अगर दीदी ब्लॉग देख रही है भाई दादी नाराज हो रखी है कि मेरे को फोन नहीं किया कि याद नहीं रहा। अब सह सर जैसे ब्याह दी तो फिर दिन काम भी तो करना और कुछ क्या काम तो तीर तीर तो कुछ नहीं काम तो तू ही करना। अरे जा जा मां कर फोन आए त्या चंद बोलियो कि मैं मदी बोलिया फोन तो तब तो सुनदार नहीं वो। हाँ बाकी बारिश ऐसे लग रही है जैसे सावन के महीने में बारिश होती है भाई, और सावन के महीने में तो भयंकर वाली उमस हो रही थी इस बार, और भादों के महीने में इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है भाई। पथ्यूड़ खाने का मन ना इसी मौसम में करता है भाई। बाकी मम्मी रात के खाने की तैयारी भी करने लग गई है भाई, प्याज और टमाटर मम्मी ने काट दिए हैं। बाकी आज से मनोज भैया लोगों का दूध भी हमारे यहाँ लग गया है, तो अभी आपने देखा होगा कि ताई जी आ रखी थी बोलने के लिए, तो गांव में भाई बहुत कम दूध मिल रहा है अब, तो जिनकी भैंस है ना इस टाइम उनके फायदे हैं भाई इस टाइम। गांव की बुआरियां तो चली गई बहाने वाला, तो फायदा उन्हीं का है जिन्होंने भैंस पाल रखी है भाई गांव में। बाकी मम्मी तो बना रही है खाना और दादी बैठी है यहाँ पे, और मैं तब तक एक राउंड घूम के आता हूँ भाई। बाकी दादी आज अपने चप्पल लेके आ रखे भाई, जो चप्पल दादी के लिए मैं लेके आया था, तो ये वाली चप्पल लेके आया था भाई मैं। दादी बोल रही थी कि ऐसी लाना ऐसे कलर में, फिट ऑन या फिट। अच्छा तो भाई जैसे ही रोड पे घूमने आया तब तक मेरे को चाचा मिल गए भाई। ये हैं अज्जी चाचा जिनकी बात मैं कर रहा था कि इनकी बेटी हुई। पहले तो बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा की बेटी का कल नामकरण था भाई, मैंने ब्लॉग में बताया था बट मैं जा नहीं पाया, चाचा ने मेरे को थोड़ा लेट में बोला। और फिर मेरा प्लान ये था कि मैं दीदी को छोड़ने जाऊँ, आपने ब्लॉग में देखा होगा कि कल मैं दीदी को छोड़ने गया था। तो ये है भाई अज्जी चाचा, काफी सारे लोग पूछ रहे थे। तो इन्हीं की बेटी हुई थी भाई, और जिस टाइम मैं बोल रहा था कि दिया जलाना बंद हो रखा है, तो फिर चाचा लोग आज ही आए। आज कैसे आए तुम, कल तो नामकरण हुआ और आज तुम सीधा ऊपर बाट। अच्छा अच्छा, तो जब तक यहाँ पे आए तब तक चाचा मिल गए हैं भाई, जो कि मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं। और ये हैं अन्नू के पिता श्री, जो कभी ब्लॉग में नहीं दिखते भाई, आज मैंने ब्लॉग में भी दिखा दिया। तो गाइस घूम के आ चुका हूँ घर पे, और जब तक घर में आए तब तक देखो भाई मम्मी खाना बना के बाहर में बैठ गई है और मस्त सा फोन चला रही है भाई, और यूट्यूब पे वीडियो देख रही है। बाकी ब्रोनो लेट रखा है कुर्सी के ऊपर, और कालो लेट रखा है भाई यहाँ बोरी के ऊपर। और दीदी के जाने के बाद देखो भाई मेरे रूम की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, ड्यूटी से आने के बाद मैंने पूरे कपड़े फैला रखे हैं, और आज दीदी ने वैसे सफाई करनी थी बट आज सफाई भी नहीं हो रखी भाई रूम की। मेरे जो बिस्तर है ना वो भी ऐसे ही पट रखा भाई, मैं जब सुबह उठा ना तो सुबह से रजाई ऐसी पट रखी भाई, और दीदी होती तो दीदी ने मस्त रजाई फोल्ड करके रखना था और पूरे रूम की सेटिंग करके रखनी थी भाई। और आप देखो भाई जब मैं ड्यूटी से आया ना तो पूरे कपड़े ऐसे फेंक रखे भाई मैंने, और आज रूम में सफाई भी नहीं हुई भाई। तो गाइस खाना भी खा लिया, बाकी अब जाके बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी है, और बारिश रुकने के बाद अब चारों तरफ ना पूरा कोहरा छा गया है भाई। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।